आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि मतलब हमारे जो ऑनरेबल एमएलए साहब हैं वो हमारे ऑफिस में इस स्कीम को, जो कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्कीम है, उसको बुक कराने के लिए खुद हमारे ऑफिस में आए हैं। और लोगों को इन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि हर नागरिक की, एक तो उनका अपना जो फ़ायदा है कि उनका बिल कम हो जाएगा, और प्लस दूसरा जो एक बहुत बड़ी बात कि वो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, जो हर नागरिक की एक जिम्मेदारी है कि वो बिजली जो है वापस सिस्टम में भी किसी तरीके से दे सकें, अपनी बिजली खुद जनरेट कर सकें, तो हर नागरिक के लिए उन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो ये स्कीम जो है इसमें बहुत ही अच्छी सब्सिडी है, अप टू 65% की सब्सिडी जो है वो इस स्कीम में दी जा रही है, जिसकी हेल्प से मुझे लगता है कि इस टाइम पे बहुत ही अच्छा टाइम है कि हर मतलब नागरिक, और क्योंकि ये स्कीम जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, और ऑल अक्रॉस इंडिया 1 करोड़ घरों के ऊपर ये जो है लगाने की बात चल रही है। तो अगर सपोज 1 करोड़, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर हर नागरिक जो, हर स्टेट जो है वो इस होड़ में है कि हम जल्द से जल्द जल्द से जल्द इस स्कीम का लाभ उठाएं। तो क्योंकि ये स्कीम किसी भी टाइम पे, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, ख़त्म हो सकती है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी इसका लाभ उठा लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है वो इस स्कीम के साथ जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी स्कीम, बहुत ही अच्छी सब्सिडी, अप टू 65% की सब्सिडी, 1 लाख मतलब 94,800 तक की जो मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट जो है वो इसमें दी जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर नागरिक को इसके साथ जुड़ना चाहिए, जैसा हमारे रिस्पेक्टेड एमएलए साहब ने, ऑनरेबल एमएलए साहब ने भी बोला कि हर मतलब वो भी सुनिश्चित करेंगे कि हर इंसान इससे जुड़े। तो मैं भी आप लोगों से सबसे अपील करूंगा कि प्लीज़ आप इस स्कीम के साथ जुड़िए। उन क्षेत्रों के लिए भी ये स्कीम बहुत अच्छी है, क्योंकि जो मतलब ये स्कीम का जो बेनिफिट है वो हर जगह हर हर इंसान को उठाना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए लाभदारी रहे लाभदायक रहेगा। तो गांवों के लिए वैसे भी, क्योंकि छोटे घर हैं, अप टू 3 किलोवाट का अगर वो लगाते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि गांव के लोगों को तो अवश्य इसका फ़ायदा उठाना चाहिए।